कंटिन्यू करते हुए अब हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर के टॉपिक से मिलता हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी का योगदान। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उसके बाद ही भारतीय राजनीति में उनका प्रवेश हुआ। जब गांधी जी 1914 में आए थे तब उनकी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनका बहुत विश्वास था। उनको उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ देते हुए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का आह्वान किया कि वे अंग्रेजों का सहयोग करें और इसी से खुश होकर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की भी उपाधि प्रदान करी। 1914 के पश्चात 1917 में कुछ ऐसी घटना होने लगी जिससे गांधी जी ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। चंपारण बिहार में एक प्रदेश, एक जगह थी जहां पर नील की खेती होती थी और इस नील की खेती करने वाले कृषकों से लगान वसूला जाता था। उसका विरोध करते हुए गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह प्रारंभ किया और उसमें उनको सफलता भी मिली और जो कंपनी के लोगों ने जो इन कृषकों से लगान वसूला था उसका कुछ प्रतिशत कृषकों को वापस लौटाया गया। 1918 में रोलेट एक्ट पारित हुआ जिसमें भारतीयों पर नजरबंद करने का प्रावधान था। भारतीयों पर ये आरोप लगाए गए कि वे आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं, तो इस एक्ट के तहत भारतीयों को बिना किसी वकील, दलील और अपील के उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता था। गांधी जी ने इसका भी विरोध किया। इसी विरोध के फलस्वरूप पंजाब में इसका विरोध होने लगा, इसकी हड़ताल होने लगी और उसी का एक बहुत ही भयंकर विध्वंसात्मक कार्रवाई अंग्रेजों द्वारा 10 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के नाम से, जिसमें भारतीयों के ऊपर गोली चलाई गई, लगभग 2000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए और 800 लोगों की मृत्यु हुई। ये ऐसी घटना थी जिसने गांधी जी पर प्रभाव डाला और गांधी जी की अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता थी उसमें जो उनका विश्वास था वो यहीं समाप्त हुआ और उसके पश्चात गांधी जी ने पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू कर दिया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, जिसमें ब्रिटिशर्स को विरोध करना, उनके विरुद्ध हड़ताल करना, बहिष्कार करना, लेकिन शांतिपूर्वक हड़ताल उनका एक बहुत बड़ा मकसद था, परंतु चौरी चौरा कांड में जब उपद्रव हुआ और भारतीयों द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया और कई थाना में जो मौजूद सिपाही थे उनकी मृत्यु हो गई, इससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 1930 में दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा प्रारंभ हुआ जब नमक पर चूंकि ब्रिटिशर्स द्वारा लगान वसूला जा रहा था उसका विरोध करते हुए उन्होंने दांडी तक यात्रा करी और उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके पश्चात गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ जिसमें यह तय किया गया कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए, लेकिन उस सम्मेलन में एक तो जिन्ना की जो जिद थी भारतीयों को, उसमें कोई लाभ नहीं हुआ, तो उससे भी गांधी जी वापस से मायूस होकर लौटे और उन्होंने 1900 अपना आंदोलन वापस प्रारंभ कर दिया। 1934 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अपना त्यागपत्र दे दिया, परंतु वो राष्ट्रीय आंदोलन में उतनी ही सक्रिय भूमिका अदा करते रहे। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने अंग्रेज भारत छोड़ो ये नारा दिया और अंग्रेजों को पूरी तरीके से भारत से हटाने की मुहिम छेड़ी और उन्होंने जनता को कहा करो या मरो, डू और डाई, अभी अगर हम इस वक्त हम सफल नहीं हुए तो अंग्रेज शासन हमेशा बना रहेगा। उनका ये आह्वान काफी सफल रहा और मजबूर होकर ब्रिटिशर्स ने ये घोषित कर दिया कि वे भारत को अपनी स्वतंत्रता वापस सौंप देंगे। 23 मार्च 1947 को
गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वार्ता हुई। उस टाइम पर भी जिन्ना हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र के आधार पर दो राष्ट्र सिद्धांत पर उन्होंने भारत के विभाजन की बात करी और पाकिस्तान की एक स्वतंत्र मांग करी। गांधी लंबे समय तक उसका विरोध करते रहे, लेकिन जिन्ना की हठधर्मिता, मुस्लिम हिंदू दंगों की वजह से और कांग्रेस के कई नेताओं की समर्थन के कारण आखिरकार गांधी को भी मजबूरन भारत के विभाजन पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ी। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ और 30 जनवरी के 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस तरीके से ये गांधी जी का योगदान भारत की स्वतंत्रता को लेकर है। थैंक यू।